क्या कैसे में आपका स्वागत है। ये है पेटीएम की सीरीज। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि केवाईसी क्या है और आप पेटीएम पर अपना केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि पेटीएम के टॉपिक पर हमारे चैनल पर कई वीडियो हैं। आप स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई के निशान पर क्लिक करके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि केवाईसी क्या है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। इसे आम भाषा में कहें तो अपने ग्राहक को जानिए। बैंक में खाता खोलना हो, फिक्स डिपॉजिट करवाना हो, म्यूचुअल फंड लेना हो या इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो, आपसे केवाईसी का फॉर्म भरवाया जाता है। अक्सर बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज केवाईसी फॉर्म भरवाती हैं और इसके साथ कुछ आईडी प्रूफ या पहचान के प्रमाण भी लेती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो आपसे ग्राहक की पहचान की पुष्टि करते हैं, कस्टमर आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इन फाइनेंशियल कंपनीज से भरवाना मैंडेटरी करवाया है, ये अनिवार्य है। चलिए पेटीएम पर केवाईसी करना सीख लेते हैं। पहले तरीके में मिनी केवाईसी हम करेंगे। ये ऑनलाइन आपके फोन में ही अवेलेबल है। आप सीधा मोबाइल पर कुछ बेसिक डिटेल्स डाल सकते हैं और अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये है पेटीएम की ऐप, चलिए इसे खोल लेते हैं। और अब ये पेटीएम खुल गया। केवाईसी करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए बीच में है पासबुक, पासबुक पर क्लिक कर लिया और अब वो बोल रहा है इम्पोर्टेंट, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस प्लीज प्रोवाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिटेल्स टू कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम वॉलेट। अगर आप पेटीएम वॉलेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर नरेगा जॉब कार्ड। चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना होगा। चलिए मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर टाइप कर लेती हूँ। पैन कार्ड के बाद अब वो हमारा नाम पूछ रहा है। चलिए मैंने नाम डाल दिया, फिर डन पर क्लिक किया। अब वो बोल रहा है आई कन्फर्म दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट। तो आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही सही चेक करके टाइप करिए। चलिए हमने अपना पैन नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया, इस बॉक्स पर टिक कर दिया और अब हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। अब वो मुझसे मेरा पेटीएम अकाउंट सिक्योर करने को बोल रहा है और स्क्रीन लॉक चूज करने को बोल रहा है। चलिए मैं इसे बाद में कर लूंगी, आई विल डू इट लेटर। चलिए इसे मैं फिलहाल बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ से बाहर आती हूँ और यहाँ पर पासबुक पर दोबारा गए। ये देखिए अब मुझे केवाईसी नहीं दिख रहा, पहले मुझे केवाईसी दिख रहा था। दूसरे तरीके में आप पेटीएम केवाईसी के लिए किसी सेंटर में जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, केवाईसी पूरा कर सकते हैं। पर कहाँ जाएं? आइए देख लेते हैं। यहाँ ऊपर तीन बार्स हैं, इधर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको नीचे प्रोफाइल सेटिंग्स दिखेगी, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ रहा है और यह है कंप्लीट योर केवाईसी। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के केवाईसी पॉइंट्स दिखेंगे। उन्होंने ऐसे बहुत सारी जगहें निर्धारित करी हैं जिनका नाम है केवाईसी पॉइंट। तो आप अपना पहले स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट। चलिए हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ दिल्ली NCR। ये मेरा स्टेट सिलेक्ट हो गया और फिर यहाँ पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं साउथ वेस्ट दिल्ली। और यहाँ पर देखिए ये पिन कोड के हिसाब से आपको दिख जाएंगे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स या जगहें केवाईसी पॉइंट्स जहाँ पर कि आप जा करके और अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे घर के पास ये है अंकित इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर इन्होंने एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिए हुए हैं। ऐसे इसी तरह ये देखिए बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर सेंटर्स हैं पिन कोड वाइज उन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर आपके एग्जैक्ट लोकेशन के पास कोई
केवाईसी पॉइंट नहीं है, आप खोज सकते हैं और थोड़ी दूर के केवाईसी पॉइंट पर जाकर के अपनी पूरी केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप पूरा का पूरा केवाईसी कंप्लीट कर देंगे तो आपको एक पेटीएम क्रेडिट मिलेगा, यानी कि आपको पेटीएम जो है कुछ पैसे देगा। यहाँ पर देखिए, वापस से प्रोफाइल सेटिंग्स में गए और यहाँ पर वो बोल रहा है अपग्रेड एंड गेट 200 रुपीज कैशबैक। तो जब आपका पूरा केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे, तो आपको 200 रुपए का कैशबैक अपने पेटीएम में मिलेगा। अगर आप केवाईसी पूरी तरीके से नहीं करते तो आपको पेटीएम के फुल फीचर्स नहीं मिलते। पूरा केवाईसी कंप्लीट करने पर आपको एक इंसेंटिव जो कि फिलहाल 200 रुपए है वो आपको कैशबैक के तौर पर मिलता है। तो बहुत ही आसान है, आप पेटीएम का केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। यूट्यूब पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, थैंक यू, धन्यवाद।